सो गाइस, नैनीताल बैंक ने अपना क्लर्क और पीओ यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। ठीक है, तो 50-50 टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर। 21 और 30 मैक्सिमम एज लिमिट है, 31/12/2021 को। ठीक है, सो गाइस वेलकम टू वेलप्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलप्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। सो गाइस, आज थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल, नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक का जो नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन इस साल के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी की 50 वैकेंसीज, क्लर्क की 50 वैकेंसीज, इसका जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल हो गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2022 से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, 15 फरवरी तक अप्लाई करेंगे, और जिसका एग्ज़ाम होगा मार्च 2022 में होगा, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है मार्च 2022। ठीक है, देखिए प्राइवेट बैंक है, ठीक है, वैकेंसीज निकालता है लेकिन एक चीज़ देता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव इज प्रोविजनल एंड में वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे पिछली बार से कम वैकेंसीज हैं, इस बार पिछली बार 75 वैकेंसीज थी, तो 10 या 15 बच्चों के बैच में बुलाता है और इसी तरीके से जो है वैकेंसीज को फुलफिल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी वैकेंसीज फिल की जाएगी या पूरा का पूरा रिजल्ट एक साथ वेबसाइट पर आएगा, तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी को अप्लाई ना करें, क्योंकि उसका एक अपना एक तरीका है रिक्रूटमेंट का, उसके हिसाब से ही वो करेगा। ठीक है, या पार्शली या फुल्ली कैसे भी फिल कर सकता है वैकेंसीज को। ठीक है, तो बाकी IBPS या अदर जो SBI या अदर पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके जैसा आप इसको बिल्कुल भी ट्रीट करके नहीं चलेंगे। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ दी पोस्ट। दोनों पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम जो होगा वो सेपरेटली होगा, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा, सेम डे हो सकता है लेकिन डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ ऑफ दी पोस्ट, यानी कि दोनों, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा, मार्च 2022 में बता दिया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50%, यानी कि दोनों में अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं 50% के साथ तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया, प्रीफरेबल प्रीफरेबल है, जरूरी नहीं है, यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी दो बच्चे अगर उनके सामने बैठे हैं और एक के पास एक्सपीरियंस है तो उसको कंसिडर करेंगे रादर देन जो कि फ्रेशर है। ठीक है, तो प्रिफरेबल है। अब रेमुनरेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी को जो है लमसम पेमेंट 30,000 रुपये का मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि 1 ईयर के दौरान। उसके बाद जो क्लर्क हैं, क्लर्क वाले जो हैं वो स्टार्टिंग से ही उनको पे स्केल मिलना लग जाता है, जो कि 17,900 का पे स्केल है, एक लमसम एक अच्छा जो है पे स्केल माना जाता है। 30 से 32 हज़ार इनहैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाती है क्लर्क के अंदर। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको एक आइडेंटिटी बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, कि जो मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं उनको 1 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा 2 लाख रुपए का, और जो क्लर्क हैं उनको 2 साल का 1 लाख रुपए का आइडेंटिटी बॉन्ड जो है सर्व करना पड़ेगा बैंक के साथ। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो फीस काफ़ी हाई रहती है क्योंकि प्राइवेट बैंक, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, तो वो अपने हिसाब से उसने रखा हुआ है 1500 रुपये दोनों के लिए। ठीक है, 1500 1500 1,500 रुपीज़ इज दी फी। 1 से 15 फरवरी तक आप लोग अप्लाई करें, फी पेमेंट करें, और एग्जामिनेशन सेंटर्स ये रहने वाले हैं, यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में रहेगा हल्द्वानी यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देहरादून में रहेगा, रुड़की रहेगा, बरेली उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, दिल्ली NCR, अम्बाला हरियाणा, तो ये जो है रहने वाले हैं यहाँ पर। अब एग्जाम की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 145 मिनट का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, 5 ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के, 40 40 40 40 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में। सेक्शन कौन कौन से रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, सेपरेटली सब टाइम दिया हुआ है, सेपरेटली हर सेक्शन की कट ऑफ जाती है, और इस तरीके से जो है टाइमिंग है हर सेक्शन की, रीजनिंग को 35 मिनट, इंग्लिश को 35 मिनट, GA को 20 मिनट, कंप्यूटर को 20 मिनट, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 35 मिनट। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न रहता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और 15 फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 50 पोस्ट हैं MT की, टोटल 50 पोस्ट हैं क्लर्क्स की, इस तरह से टोटल 100 वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग करना चाहें ट्राई तो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक है, अच्छा बैंक है, चलते रहने वाला बैंक है, ये नहीं है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की इसमें जो है शेयरिंग है। ठीक है, तो इस वजह से जो है चलते रहने वाला बैंक है, प्राइवेट के रूप में एक सरकारी बैंक कह सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो जाए
उसके बाद, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया, एक साथ 50 की 50 वैकेंसीज नहीं फिल करते हैं ये, इनके पास जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग 15 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे इस तरीके से बुलाते हैं। एक साथ कहीं पर रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है वेबसाइट पर, ठीक। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करने की जो है पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।